वहां से वापस आते टाइम भाई ये वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसे खराब हो चुका है। काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा भाई कि हिल राइडर भाई इतने दिनों से कहां गायब था। क्या क्या बना रहे हो अंकल आप? ये यहां पर अभी रेड सिग्नल आ रहा है कि हमारा जो अगला वीडियो है वो हमारा न्यू मोड। भैया जी नया वीडियो आ गया है और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जी तो कैसे आप लोग? तो काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा भाई कि हिल राइडर भाई इतने दिनों से कहाँ थे, तो वो स्टोरी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सबसे पहले अभी फ्रेश हो जाते यार। सुबह सुबह भाई आपने मॉर्निंग में चाय नहीं पीना तो मॉर्निंग किस बात की, क्योंकि सारा पैसा तो चाय का है ना। तो सबसे पहले चाय बना लेते हैं। यो थारा भाई हिल राइडर इतनी चाय पिएगा तने सोच ही ना होगी। तो भाई सोशल मीडिया पर आपने देख ही रखा होगा आजकल एक थारा भाई जोगिंदर नाम का एक आदमी है। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने मोमोज खाएगा किसी ने सोच ही ना होगी, जो कि उसका फेमस डायलॉग है। जितने भी रोस्टर है उन्होंने भाई सभी ने उस भाई को रोस्ट कर रखा है। खैर वो उनका पर्सनल मैटर है भाई, हम अपना चाय पी लेते हैं अभी। तो यार गाइस अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। जैसे मैं अभी नाश्ता करके भाई छत पे आया ना, तो जो नज़ारे दिख रहे हैं ना आज वो काफी अल्टीमेट है। सो देखो जरा आप। भाई आज हमको देहरादून भी जाना पड़ता है। देहरादून क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जब मैंने ये GoPro Hero 8 Black खरीदा था ना भाई, तो उस टाइम मैंने एक माइक अडेप्टर आता है इसका, तो इसे भी खरीदा था। लास्ट टाइम जब चकरा था टाइगर फॉल गए थे ना, तो वहाँ से आते टाइम यार ये माइक अडेप्टर वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसे खराब हो चुका है। तो इसको एक्सचेंज या फिर नया लेने के लिए हमको देहरादून जाना पड़ रहा है, और हो सकता है शायद माइक भी खराब हो सकता है, वो वही जाके पता चलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न गोइंग टू देहरादून। तो यार गाइस यहाँ पे अभी 9 बज गए हैं, सो चलते अब सीधा देहरादून के लिए, लेट्स गो। तो भाई आपके हिल राइडर भाई अभी रेडी होके निकल चुके देहरादून के लिए। और अगर मैं बात करूं देहरादून से विकास नगर तक के डिस्टेंस की, तो भाई यहां से देहरादून के लिए 36 किलोमीटर दिखाता है गूगल मैप में, और हमको 1 hour 3 minutes का टाइम लग जाता है विकास नगर से देहरादून के। तो
भाई अभी मैं रास्ते में रुका हूँ विकास नगर से लगभग 25 किलोमीटर तक आ गया आगे सैला कोई पड़ता है इधर, तो यहाँ पे अभी रुका हूँ। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद चलते हैं यहाँ से देहरादून के लिए। हाँ तो भैया यहाँ पर अभी रेड सिग्नल आ रखा है। तो भाई मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपके हिल राइडर भाई इतने दिनों से कहाँ गायब थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो तुम्हारा भाई बिल्कुल भाई डिमोटिवेट हो चुका था, जो पिछले ब्लॉग अपलोड करिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है एज अ सब्सक्राइबर बेस। वो आपके भाई ने सोच रखा है भाई कि अब हाई क्वालिटी कॉन्टेंट अपलोड करना है ओनली, बाकी जितने भी ब्लॉग आएंगे गाइस वो बिल्कुल फाड़ू ब्लॉग आएंगे, और यही रीज़न थे मेरे गायब होने का। भाई अभी मैं देहरादून के बल्लूपुर हाईवे पे हूँ, बाकी यहाँ से आप तो भैया अभी हम देहरादून पहुंच गए, बाकी अभी एडेप्टर और माइक लेना है, तो अभी हम चलते हैं सीधा। हेलो 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 यार गाइस एक्चुअली हुआ ऐसे है, मतलब जो मेरा माइक एडेप्टर था गोप्रो का वो एक्चुअली ख़राब नहीं हुआ है, जो माइक होता है वही ख़राब हो रखा था। तो अभी मैंने न्यू माइक ले लिया है, वो मैं दिखा दूंगा आपको कौन सा माइक ले रखा है, बाकी अभी देखते यार। हाँ तो भैया अभी हम रास्ते में रुके हैं और विकास नगर पहुंचने से पहले, और अभी भूख भी लग रही है। क्या क्या बना रहे हो अंकल आप? चिकन फ्राई और फिश फ्राई। चिकन फ्राई और फिश फ्राई। तो यार गाइस अभी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि शर्ट वगैरह पैंट भी भीग रखी है, क्योंकि शर्ट तो पूरी गिली है, बाकी बैग बच गया था क्योंकि पीछे था पीट में। तो अभी पकौड़े रेडी हो रहे हैं, उसके बाद खा के चलते हैं सीधा विकास नगर। तो वही टेस्ट करके देख रहे हैं किस तरह के बने हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लग गया। चिकन लाइक दिस। हाँ तो भैया कैब फिनिश देख सकते, तो भैया सीधा घर चलते हैं। हाँ तो भाई सही आ रहा ना? तो भाई मैं देहरादून से विकास नगर आ गया था, सो हम सीधा आपको अगले ब्लॉग में मिलेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने सिस्टर के यहाँ पे, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ब्लॉग भी आपके लिए लाऊं तो आप कमेंट में बता देना। बाकी हमारा जो अगला वीडियो है वो हमारा न्यू मोटो ब्लॉग सेटअप के ऊपर है, मिलते फिर अगले ब्लॉग में।